बीकानेर जैसलमेर सीमा से सटे दादुका गांव में प्रसव के लिए जा रहे प्रसूता की एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो गई। एम्बुलेंस में किलकारी गूंजने के बाद मां और बच्चा दोनों सुरक्षित और कुशल हैं। ये गांव नोक से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। दरअसल जोरदार दर्द होने पर प्रसूता की डिलीवरी एम्बुलेंस में ही करानी पड़ी। मौजूद दाई ने डिलीवरी में सहयोग दिया। बच्चे के जन्म से परिजनों में खुशी छा गई। इससे पहले मंगलवार सुबह एम्बुलेंस चालक भाकर सिंह भाटी के पास बीकानेर जिले के दादुका गांव से फोन आया था। वह तुरंत ही एम्बुलेंस से प्रसूता को घर से लेकर रवाना हुआ। दर्द बढ़ने पर चालक ने रास्ते से एक स्थानीय दाई को साथ ले लिया था। इसी बीच रास्ते में प्रसूता दुर्गा कंवर ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद प्रसूता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोक लाया गया, जहां कार्यरत नर्स ने मां और बच्ची की देखभाल शुरू की। एम्बुलेंस से वो आई थी, एक प्रसूता जिसकी डिलीवरी है वो रास्ते में हो गई है। अब यहाँ पहुँचने के बाद मैंने इसके कॉर्ड वगैरह कट करके बच्चे को और माँ को